यूपी में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन किसी न किसी को यह साइबर ठग अपना शिकार बना रहे हैं। ताज़ा मामला चित्रकूट से सामने आया है, जहां साइबर ठगों के टॉर्चर से परेशान व्यापारी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के स्टेशन रोड गांधीगंज का है, जहां किराना व्यापारी राकेश केशरवानी के पास बीते 10 अक्टूबर को साइबर ठगों का एक वीडियो कॉल आया, जिसके बाद जैसे ही व्यापारी ने फोन उठाया स्क्रीन पर अश्लील तस्वीर आ गई, जिस पर व्यापारी ने तुरंत फोन रख दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि फोन उठाते ही वो ठगों के चंगुल में फंस जाएगा। वहीं जैसे ही व्यापारी ने फोन काटा, उसके व्हाट्सएप नंबर पर उसका एक अश्लील वीडियो बनाकर भेजा गया और धमकी देते हुए पैसों की डिमांड की गई। लेकिन पीड़ित व्यापारी उन्हें पैसा देने से कतराने लगता है और फोन उठाना बंद कर दिया। वहीं इसके बाद कल्याणी 12 अक्टूबर को व्यापारी को एक और फोन आया, जिसमें ठग ने अपने आप को पुलिस कमिश्नर संजय अरोरा बताकर मामले को सेटल करने के नाम पर उससे पैसे की मांग की, जिस पर व्यापारी डर गया और भरत रैकवार नाम की यूपीआई पर 61,500 रुपये भेज दिए। लेकिन ठग उससे और पैसे की डिमांड करने लगे, जिससे परेशान होकर वो कमरे में गया और पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। तो किस तरीके से सुसाइड किया, किस तरीके से उन्हें टॉर्चर किया जा रहा था? पापा को बहुत ब्लैकमेल किया जा रहा था। तो उससे पहले पापा से पैसे लिए गए थे, पापा उनको पैसे ट्रांसफर किए थे, उनको बार बार फोन आ रहा था, उसमें चैट व्हाट्सएप में चैट थी, आप हमसे बात करिए पैसे ट्रांसफर करिए, मैं स्क्रीन शॉट भेज दीजिए, और नहीं हम अभी हम अपनी क्राइम ब्रांच से हम सबको निकाल रहे, पुलिस को भेज रहे हैं आपको पकड़ने के लिए, आप बात क्यों नहीं कर रहे? भी पापा फांसी लगा लिए हैं। उसके बाद फ़ोन आ रहा था कई बार, फिर जब पापा को हॉस्पिटल ले गए फिर आ रहे थे, उठाए फ़ोन, फिर उसके बाद बोल रहे थे कि पापा से बात कराइए राकेश जी से। हम बोले नहीं, बताइए क्या काम है आपको, बताइए नाम, बताइए पता कहाँ से बोल रहे हैं, बताइए। फिर नहीं बात किया, उसने फ़ोन काट दिया। आपसे बात हुई थी? हाँ, हमने बात की थी इतनी बात। तो कितने पैसे दे चुके थे पापा? अभी कल का तो 62,000 रुपए बस पता था। वहीं घटना की सूचना के बाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पुलिस साक्ष्यों को इकट्ठा कर मामले की जांच शुरू कर दी। इस दौरान मामले में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि साइबर ठगों द्वारा ब्लैकमेल करने का व्यापारी ने फांसी लगाया है, जिसकी जाँच की जा रही है और जाँच के बाद कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कल जिला अस्पताल से एक मेमो प्राप्त हुआ था, तो सरवानी विक्टोरिया में सुसाइड, उस मेमो पर पुलिस ने उनके परिजनों से भी संपर्क किया, परिजन के संपर्क में पुलिस किया है। रात्रि में वो पोस्टमार्टम चाह रहे थे, सवेरे 10:30 बजे उनका पोस्टमार्टम हुआ, अंतिम संस्कार हो गया। परिजनों ने जब उनका मोबाइल खंगाला है तो उसमें एक ट्रांजेक्शन हुआ है जो उनके हिसाब से किसी अज्ञात जगह, इस आधार पर उन्होंने शंका व्यक्त की है, या हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा शेयर किया रहा हो पहले, लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं बताया था कि ये लगता है कि किसी साइबर ठगी का शिकार होकर के इन्होंने सुसाइड किया है। उनकी इस सूचना का संज्ञान लेकर के हमारी थाना कर्मी की टीम और साइबर की टीम प्रयास कर रही है कि इसमें क्या तथ्य है, क्योंकि उन्होंने कोई सुसाइड नोट ऐसा नहीं छोड़ा है जिसके आधार पर हम आगे बढ़ सकें। तो एकमात्र सहारा है कि हमारी साइबर टीम उसमें कुछ आगे निकल। ठीक। ऐसे में जहाँ एक और पुलिस मामले की जाँच कर कार्रवाई की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर हर रोज बढ़ते ये साइबर अपराध के मामले अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। पंजाब केसरी के लिए चित्रकूट से वीरेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।